तो खुश होना यार, तसल्ली हो गई। बहुत तसल्ली हो गई कि वो पूरे हक के साथ तुम्हारे साथ बैठी और मैं पीछे, और अब हम दोनों के बीच में बैठी हुई होगी। नहीं, दो टिकट से यार, वो शॉपिंग करेगी। क्या हुआ माहीन? वो उमर नहीं जा रहा वहां पे, देखे क्या हुआ? उमर ही था ना वो? यार पता नहीं, शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आया कौन था। क्या मतलब समझ में नहीं आया? दौड़े भागे आप आए, आपने देखा नहीं? अरे यार, शो के टिकट्स खत्म हो जाएंगे, फिल्म बहुत अच्छी है, फिर नहीं मिलेंगे टिकट्स। आ जाओ चलो। सही है, लेकिन अच्छा सुनिए सुनिए, एक मिनट पहले ना कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। हाँ लेकिन एक बात बोलूं, वो था उमर ही, मैंने किसी को उसके साथ भी देखा है, लेकिन वो माहीन नहीं थी, मैंने जरा सी झलक देखी है। यार पता नहीं नीचे से आवाजें आ रही। मुझे बाहर ले आए, बाकी तबीयत काफी बेहतर हो गई। मैं हमेशा तुमसे सही बात ही कहता हूँ, बशर्ते कि तुम मेरी बात मान लो। मैंने आपको कहा था ना वो उमर, आप मेरी बात नहीं सुनते। माहीन वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठो बैठो बैठो, मैं देखो कैसा छापा मारा हमने। तुम्हारी मूवी डेट खराब कर दी ना। उमर कहाँ है? उमर वो तो चले गए मुझे ड्रॉप करके। ड्रॉप करके चले गए क्या मतलब? वो उनको काम पर गया था बहुत जरूरी, तो मुझे अगर घर छोड़ने जाते तो टाइम बहुत लग जाता, तो मैंने कहा मुझे यहाँ छोड़ दें, मैं शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ इधर, जब तक वो वापस नहीं आते तब तक वो। लेकिन उमर तो अच्छा सही है, तुम ऐसा करो हमारे साथ मूवी देख ले। नहीं हा? नहीं वो दरअसल भाभी मुझे चलने में बस निकल रही थी। एक मिनट, तुमने अभी कहा कि तुम उमर का वेट कर रही हो, फिर तुम्हें शॉपिंग करनी है, अब कहाँ जा रही हो? वो उमर का मैसेज आया था कि वो लेट हो जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं घर चली जाती हूँ, ताई को भी देख लूँगी जरा, वरना बहुत टाइम हो जाएगा, आप लोग एंजॉय करें। माहीन हमारे साथ चली जाना, कुछ खा लो। नहीं नहीं मैं चलती हूँ घर, आपको आपसे घर पे मुलाकात होती है फिर, ठीक है? माहीन खुदा हाफिज़। ये हमारे साथ चली जाती, कुछ खा लेती, रुक जाती, तो मुझे समझ में नहीं आ रही ये लोग कर क्या रहे हैं। माहीन रुक जाओ, हमारे साथ चलना। भाभी अगली दफा ऐसी ये कोई हरकत है उमर की, उसे यहाँ अकेला छोड़ गया, हम ना आते तो क्या करती वो? जी बात है, क्या कर रहा है उमर? नहीं देखा मसला ये कि मंसूर भाई यहीं पे कहीं पे थे,
वो तो माही ने जब मुझे मैसेज किया तब मैं इसलिए बाहर नहीं आया कि कहीं मंसूर भाई से आमना सामना ना हो जाए, यार भाभी भी साथ हैं। एक्चुअली मेरी गलती, मैंने मंसूर भाई को मैसेज कर दिया था कि मैं माही के साथ मूवी देख रहा हूँ। क्या मुसीबत है उमर, पर सर मसला माहीन बेचारी अब इसी चक्कर में कहीं बाहर चली गई है, नीचे खड़ी हुई है। बेचारी, तुम्हें नहीं पता कि सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या मतलब? उसने ज़किया खाला को कहा कि वो उससे मिलने के लिए नहीं आई, और अब जो तुम्हारे भाई और भाभी यहाँ पर है ना, इसमें भी माहीन का ही हाथ है। ऐसा मत सोचो यार। अच्छा चलो आओ ना प्लीज, आओ तो सही।